अरे यहाँ तो अपने पर आए हुए हैं, तेरे भक्तों के जीवन में किया तेरी रहमत से हुए हैं। वरना दुनिया में है कौन किसी का। कृष्ण का नाम सुना सुशीला ने कहा तो एक बार आप उनसे मिलाओ, भगवान के यहाँ जाएं। सुशीला खाली हाथ नहीं जाया जाता, कुछ दक्षिणा तो होनी चाहिए। सुशीला बोली वो मैं इंतजाम कर दूंगी। कैसे? पहली बार सुशीला मांगने को गई, चार घर से चार मुट्ठी चावल लाई। एक घर से क्यों नहीं लाई? एक घर से लेके आऊंगी तो एक तरह के होंगे, चार घर से लाऊंगी तो चार तरह के होंगे। पति कहेंगे नहीं कि गरीब है, लेकिन वो जब भोग लगाएगा तो वो निष्ठुर समझ जाएगा। भीख मांग के लाई अधारी, ऐसे वस्त्र में बांधे जो चार जगह से फटाए, चार तरह के धागे से सिला हुआ है, ताकि ये पता चल जाए कि कपड़ा भी घर में पहनने के लिए नहीं है। अब वो बांध करके पति के हाथ में दिए और कहा तुम चले जाओ। सुदामा महाराज हाथ में वो पोटली बगल में दबा करके चले। बोले सुदामा जी महाराज की, ये अंतर है त्रेता में और द्वापर में। त्रेता में भक्त भगवान को पार करता है और द्वापर में भगवान भक्त को पार कर रहा है। त्रेता में केवट राम को पार करता है और द्वापर में कन्हैया स्वयं नाव डाल के आ गए। आओ 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 जल्दी आओ जल्दी आओ। सुदामा जी बोले जाब कछुनाओ बेहू आओ। भगवान जी बोले बेही बैठिए जाब कछु हो ना। बोले बोले कुछ लोग बोले पैसे वाले नहीं बैठे। बोले बिल्कुल मत बैठिए डुबा दूंगा। सुदामा जी बैठ गए। बोले ये मस्त आदमी मिला। सुदामा जी बोले पैसा वाले को चुना बैठा था। बोले पैसा सी बात ना है, मैं उसको बिठा लेता हूँ जो अंदर से खाली है। राग द्वेष अग्निवेश अहमता ममता मन बुद्धि अहंकार जिसके अंदर ये दोष भर रहे हैं, मैं उसको नहीं पार करता। मेरे लिए जरूरी नहीं है गरीब है या अमीर है, पैसा है या नहीं है, मुझे जरूरी नहीं है। मुझे चाहिए निर्मल मन जन।